मॉर्निंग एवरी वन, हैप्पी शिवरात्रि सभी को। कैसे हो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी ना ये सो रही हैं और मैं नहा के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं पहले पूजा करने जाऊँगी, फिर उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे। हेलो सभी को महाशिवरात्रि, सभी शिव भक्तों को महाशिवरात्रि, सभी भाइयों को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शंकर अपनी कृपा सभी पर बनाए। और इनको बोलो थोड़ा गुस्सा कम किया करे, ये सुबह उठते गुस्सा करने लग जाते हैं। गुस्सा करने लग जाते हैं सुबह सुबह, कौन प्रैंक करता है, नींद से उठा के प्रैंक करा इसने मेरे ऊपर, ये कोई तरीका थोड़ी होता है। और जब मेरे को रात को परेशान करते तब कुछ नहीं होता, तो रात की बात अपनी नींद अपनी होती है, दूसरे की मतलब कुछ होता ही नहीं है। आज ज्यादा नींद ले चुका होता है जब तक आई समझ में। अच्छा रहने दो, तुम रहने दो, नहीं तुमने आज से ज्यादा मेरा आउटफिट दिखाओ। इसने पहनी आज साड़ी, ये देखो, क्योंकि शिवरात्रि का फंक्शन है तो अभी आपको शिव और पार्वती से भी मिलवाते हैं गाइस। वो फटाफट से रेडी हो जाए पहले, तो आज उन्हें कंप्लीट नहीं दिखाने वाले, पहले वो रेडी हो जाए फिर आपको मैं दिखाता हूँ शिव और पार्वती कैसे लग रहे हैं हमारे। तो गाइस तैयार हो चुके अपने भोले पार्वती, मिलवाते हैं तुम्हें भोले पार्वती। जुगाड़ फाली से तैयार होते हैं दोनों, ये देखो ये रील बन रही है, रील बैक है भोले पार्वती का, बैक साइड। कैसा लग रहा है आपकी शादी है? अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े ये सौभाग्य मुझे मिला पार्वती बनने का। बड़े अथक प्रयासों के बाद तुम्हारे पिताजी माने हैं शादी के लिए। हाँ, बहुत मुश्किल हुआ मुझे अपने पिताजी को बनाने के लिए। अभी चलते हैं भोले शंकर के पास में, देखते हैं उनका क्या रिव्यू है पार्वती को लेकर। हे शंकर भगवान, आज आपकी शादी होने जा रही है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं भी दुल्हन लेके जा रहा हूँ और पहली बार ये है कि लव मैरिज की हमारी होगी, तो इसमें ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। मेरे पिताजी मान गए हैं। तो आपके पिताजी ने कोई दिक्कत नहीं करी थी, आप तो शमशान वासी थे ना? नहीं ऐसा नहीं है कि भाई हम सबकी अपनी अपनी दुनिया होती है, हमारे भी दिक्कतें आई थी। तुमने तो दुनिया बनाई है। होने के कारण ही पार्वती माता जी के जो पिताजी है और माता जी वो माने नहीं थे। हाँ लेकिन अब मान गए हैं, फाइनली मान गए, तो मैं चलो तो अब देखते हैं इनका विवाह, दिखाते हैं आपको भी। तो भोले की बारात की तैयारी हो चुकी है, अब शंकर की बारात निकलेगी, करवाते हैं आपको बारात, दिखाते हैं। ये भूत नाच रहे हैं, भूत नाच रहे, भूत बोले। बोल शंकर भगवान की। शंकर भगवान का टीका होते हुए फेरों के लिए बैठते हुए शंकर पार्वती। ओम मंगलम भगवान विष्णु।
गाइस ये था बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, ये शंकर पार्वती और माता पार्वती की विदाई देखते हुए सभी रोने लगे, सबको बहुत मुश्किल से संभाला। और ये रही हमारी पार्वती, ये दोबारा से अपने असल रूप में आ चुकी है और ये चाय चल रही है। मैं तो बहुत, और ये तो मेरे से लड़ लेती है ताकि इसको फोटो ना खराब क्लिक करानी पड़े मेरे साथ में। हाँ वो भाई विदाई का गाना चला, सबसे पहले शुरू हो गई हूँ, मैंने इसे देख लिया दूर से ही, मैंने कहा अब मैंने एक तरीका सोच लिया, अब कभी भी लड़ाई हो नहीं, नीलम भाभी ने बनाया उससे पहले ये रो के चुकी थी, इसके पास पता कौन खड़ा था मेरे ख्याल से, इसके पास वो थी लक्ष्मी दीदी खड़ी थी, है ना, लक्ष्मी दीदी ने चुप कराया इसे, कह रही चुप हो जाओ, फिर ये शुरू हो गई, फिर भाई आया मेरे पास कह रहा यार तो मेरा भी मूड खराब कर देगा, मुझे भी रुला देंगे, मैं तुम आवे रो ना, कहते कहते रोने लग गया। चलो यार ये मेरे से लड़ती है कोई बात नहीं, ये सारा दिन लड़ती है, इसका पेट बढ़ जाता है, मैं इसे घुमा के ले आता हूँ बाहर ताकि तो तसल्ली मिल जाए, ये तो लड़ेगी मुझे पता है सारी जिंदगी लड़ेगी। कब नहीं बोला था, यही काम आएंगे पार्वती के रूप में, थे तुम गाली गलौज नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, रूप में आ गया तुम्हें गाली देंगी थोड़ा कम। तू तो वैसे भी रोती रहे, तेरा कोई फायदा ना है। भाई पता है क्या कह रहा, कह रहा यार पापा ने सीन क्यों करा, विदाई पे ना फील भी ना आने की, मैंने कहा ये भी सीन है। तेरे लिए एक बात बताऊं, ये वाला सॉन्ग भी पता किसने चलवाया, पापा ने चलवाया, पापा कह रहे ये वाला चला, मैंने राकेश से बंद करवाया, कह रहे नहीं यही चलेगा, मैं तुम ही रो के निपटो, सब रो, वो तो तुम लोग ऊपर आ गए थे ना, तुम सारे लोग ऊपर आ गए थे ना, बाद में भी ये कह रहे थे, वो अनाउंसमेंट कर रहे थे ना कि प्रसाद बांटो, फिर कह रहे मैं ये चाहता हूँ सभी की बेटियाँ खुश रहे, ये रहे हो रहा, वो कहते कहते भी रोने लग गए वो। हाँ फिर उसके बाद में फिर प्रसाद वगैरह बांटा उन्होंने। चलो फिर चेंज कर लो बाल, चल जाओ, खाना वाना बना लो, रात को जाएंगे, रात को भी नहीं, सही बात बोली है क्योंकि सबका पड़ता, हमें भी खाना इसलिए, रात को कितने बजे, हाँ जल्दी बन जाएगा खाना। चलो भैया खर्चा करवा कर मानेगी, सुनो दो प्लेट मोमो, तीन चार प्लेट व्हाइट सॉस पास्ता, तीन चार प्लेट खाना, पहले लिए सबका पड़ता है, पहले जरूरी है, हम तो खाते रहेंगे, खाना बना के फिर चल लेंगे, ठीक है चलो आज मिलते हैं बाहर जाके, थोड़ा सा इसे एंजॉय वगैरह करा लूं, मतलब तो उसका काम में लड़ती तो रहती है, सुबह से बोलते बोलते मतलब कि आई मीन शाम से बोलते बोलते इसने ये टाइम कर लिया, देखो अब रेडी हुई है, अच्छा कल देखो कैसी हो रही है, जैसे किसी ने से पीटा हो, पीटा है मैंने, पीटा है एक लग गया ना अभी तो सारी एक्सेप्टेंस करनी आ जाएगी, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है इसलिए मुझे इनके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, दैट इज अ गुड केमिस्ट्री। चले अब क्या चीज चकल हो रखी है, पता है तो चल रही पता है कैसी हो रखी है तुम्हारी चकल, बंदर देखा है, पिछवाड़ा देखा है बंदर का, लाल लाल लाल। चलो बैठो अब तो गाइस, ज्यादा दूर तो आ नहीं पाए थे, सोचा डिनर करने के लिए आ जाते हैं, और देखो तो पूरा मॉल खाली, शिवरात्रि पे ऐसा क्या है, देखना पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली, एक भी बंदा नहीं है, तुम्हें लेके फर्स्ट टाइम, ये थर्ड ही है, थर्ड तो नहीं लग रहा मुझे, सेकंड है, बंद करो, सेकंड है, क्या व्यू आता है ना यार ऊपर से, है ना, बहुत सही व्यू आता है ऊपर से, ये लड़ने के बाद कहती है मैं, हम लड़ते क्यों हैं, है ना, आप भी लड़ते हो, ओए मैंने कौन सी बात ऐसी कर दी बे, बताना जरा मुझे, मैंने कोई बात करी ऐसी, इधर है राइट पे,
मैं कब गुस्सा करता हूँ, मैं सही बात बोलता हूँ हमेशा, मैं कभी गलत बातें नहीं बोलता। तो आप मेरे को सबके सामने डांटते हो, तुम सबके सामने बकवास कर जाती हो, मेरे से मैं डांटूं तो वो गलत है। तो सबके सामने नहीं डांटना चाहिए, तो सबके सामने बकवास भी नहीं करनी चाहिए, सबके सामने और सबके सामने इसे बकवास करनी चाहिए मेरे से, जो ये चिल्ला चिल्ला के बोलती है मेरे से। चिल्लाई कब, झूठ। चलो पहले खाना खाते, उसको वाला लगे एनर्जी चाहिए ना लड़ने के लिए। जो बाहर पर्सनल डाइनिंग का ओपन में बना हुआ है, यहाँ पे पहले हम ना अंदर बैठे थे, इधर की तरफ चलते हैं यहीं पे। यार ये तो, ये पता है अभी बनाया, पहले नहीं था यहाँ पे, पहले नहीं था ना। वाओ नाइस, वहाँ बैठोगी वहाँ पे, जहाँ मर्जी बैठ जाओ यार, यहाँ बैठना है यहाँ बैठना, कहाँ बैठोगी बताओ, यहाँ बैठ जाते हैं। तो गाइस मैं इनसे पानी डलवा रही हूँ, क्योंकि ये वैसे तो कभी पिलाते नहीं है, है ना। मैं तो कुछ भी नहीं पिलाता। आहा। तो कह रहा तुम यहाँ तो पानी पी रही हो, पता नहीं कैसे मांग लिया देख के इसने पानी, मेरे को प्यास लग रही है बड़ी तेज, इसीलिए मांग लिया, वरना पीती तो है नहीं पानी। पानी की क्या क्या परेशान करते यार, मैं पीती हूँ, मुझे ना बहुत कम प्यास लगती है। प्यास लगेगी तो तुम्हें फालतू चीजों की प्यास जो ज्यादा लगती है, कभी ये कभी वो कभी वो। और ऑर्डर तो कर दिया, वेट कर रहे हैं, ऑर्डर आ जाए पहले फटाफट से, क्योंकि थोड़ा सा ना हम लोग लेट हो गए, है ना, थोड़ा सा लेट हो गए खाने वाने के चक्कर में, तो पहले फटाफट से वेट कर रहे हैं ऑर्डर का। तो ये आ गया अपना खाना, और ये आ गया पूरा मंचूरियन का प्लेटर, जो ये भानु खाने वाली अकेली, ख़त्म कर लोगी ना इसे, मैं तो मेन कोर्स खाने वालों में से हूँ, कर लोगी ना पूरा फिनिश। तुम्हें तो कह रही थी मंचूरियन बहुत पसंद है, तो पहले से फिनिश कर लेते हैं, और मैं तो मेन कोर्स ही खाऊंगा क्योंकि मुझे तो वही बढ़िया लगता है सबसे ज़्यादा, तो पहले इसको फिनिश करवाता हूँ। ये देखो आती शुरू हो गई, लिखी नहीं रखा था वो बात, मैं कह रहा ये लेडीज टॉयलेट है, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ फिर। वाह वही चले गए यार, एक बात बता, जब मेंशन नहीं है तो मैं क्या करूँ बताओ, मेंशन हो तो इंसान जब जाए, जब उसमें मेंशन ही नहीं है कि ये किसके लिए, मेल के लिए फीमेल के लिए, मैं घूस गया भाई, तेज आ रहा था, क्या कर सकता था। क्या टाइम हो गया, 10:45 के आसपास हो रहे होंगे, 11 के आसपास हो रहे होंगे, 10:40 हमें आधे घंटे में नहीं लगा ना, हमें नहीं लगा इतना टाइम। वैसे सर्विस सही थी ना इसकी, कुछ और का देखेंगे यार, रोज मना हो रही है कि आइसक्रीम नहीं खानी, किसी न किसी चीज़ में आइसक्रीम आए जा रही है दोनों पे, आज शेक में आइसक्रीम आ गई, जूस पीने जाते हैं उसमें भी आइसक्रीम आई जाती है, देख लो पूरा खाली पड़ा है ऊपर से भी, वो डर लग रहा है कभी फ़ोन ना छूट जाए, तो पूरा खाली पड़ा है ये मॉल, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये तो बर्बाद हो गया है, खाली रहता लगभग, तुमने प्रपोज भी तो यही करा था मुझे, तुमने करा था मुझे, ये लड़की कभी एक्सेप्ट नहीं करती कि इसने मुझे प्रपोज करा था, ये जाओ झूठी, तुम ही कह रही थी यहाँ पे जगह भी बता दूँ, यहीं पे खड़ी होकर बोल रही थी, कह रही थी आप मेरे को अच्छे लगते हो, सच में चले यार, अभी अभी घर आए थे, और घर आके एक सीधी सा दिमाग के फंस गया कि कल ना परसों जब हम शादी में गए थे, आपने ब्लॉग में देखा था, तो मैं ना कार्ड होल्डर लेके गया था, तो मेरी सारे गाड़ी के पेपर वगैरह, मेरे जो पर्सनल पेपर है, मतलब जो मेरी आइडेंटिटी कार्ड्स वगैरह, ATM वगैरह सब उसी के अंदर थे, और पता नहीं वो मैंने कार्ड होल्डर कहाँ रख दिया, मुझे इतना याद है कि डैडी को पकड़ाया था मैंने, उन्होंने मुझे वापस भी करा, ये भी मुझे पता, लेकिन मिल नहीं रहा, पूरे रूम देख लिया, यहाँ भी नहीं है यार कहीं, शायद यार मैंने इसके ऊपर तो नहीं रखा था, कहीं भी नहीं है यार, मैंने पूरा ड्रॉर वगैरह सा ना सब देख लिया, मिल नहीं रहा, बड़ा दिमाग खराब हो रहा है, मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि यार उसके अंदर फिर सारे वो है, पेन वगैरह भी उसी में ही है, मेरी आईडी लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह सब उसी के अंदर है यार, तुम ना रात को सो रही थी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि मैंने कहाँ रखा था, आपको पता है सिर्फ एक ही ड्रॉर में रखना होता है सामान, यार इसी में रखता हूँ मैं हर बार, इस बार ही पता नहीं कहाँ चला गया,
पता है कितने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है यार, पता है कितनी मुश्किल से बनते हैं यार। मुझे पता है, तभी तो ढूंढ रहा हूँ। नहीं पता हो तो तुम, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होते तो मैं देखता ही क्यों, एक बार बड़ी लाइट जला लो। मैं सुबह से ही ढूंढ रही हूँ यार। ऐसा कैसे हो सकता है, रूम में कोई आया नहीं, हम कहीं गए नहीं, मैं कहीं लेकर नहीं गया उसे। पहले यार ढूंढते हैं, देखते हैं, एक बार देखना यहाँ तो नहीं है यार। मेरे को सच में ध्यान नहीं आया हैं, यार मेरे को तो यही लगा कि मेरी जैकेट में को, मैंने कल क्या पहन रखा था, यही पहन रखे थे। अरे नहीं, मैंने लोअर में कुछ और पहन रखा था यार, मेरे क्या ही पहन रखा था, जींस थी ना शायद, मैंने शायद जींस पहन रखी थी भानु यार। उसमें देखो कौन सी जींस पहन रखी, मैंने जींस पहन रखी थी ब्लू वाली पहन रखी थी शायद, हाँ वही पहन रखी थी शायद, एक बार उसमें देखो यार। मैंने उस वक्त जींस पहन रखी थी, अभी देख लेते फिर देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता है। ये सारे में ढूंढ ढूंढ के परेशान थी, मैं भी सारे में ढूंढ के परेशान था, इतनी देर से ढूंढ रहे थे, इतनी देर से ढूंढ रहे थे। अचानक से मेरा दिमाग क्लिक हुआ यार, हो सकता है शायद मैंने अपने जिम बैग में रखा हो। फिर जैसे मैंने जिम बैग उठाया मुझे याद आया शायद इस वाली चेन में हो जिसमें मैं सारा सामान रखता हूँ, और फाइनली ये मिल गया। ये नहीं मिलता ना बहुत दिक्कत हो जाती, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स इसमें थे। क्यों नहीं मिलेंगे, वो मतलब डॉक्यूमेंट्स मेरे रहेंगे तुम्हारे पास, केयरलेस यार। मेरे को ये तो पता था कि मैंने कहीं रख दिया, बट ये ध्यान में नहीं था कि कार का है ये, या तो मैंने जिम जाने से पहले लिए या बैग में बाद में लेकर आया हूँ अंदर से, दोनों में से एक ही काम हुआ है। शायद जिम जाने से पहले दे दिया था पापा ने मुझे, तभी मैंने इस चैन में डाल दिया। मैंने कहा अब कहाँ डालूंगा, मैंने कहा थोड़ी इसमें डाल लेते तो सबसे सेफ है। क्यों नहीं मिलेंगे, मेरे डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे। चलो यार रील बनानी है, आ जाओ आ रहा हूँ। तो गाइस चलो पहले रील वील बना लेते हैं, शुक्र है मिल गया, क्योंकि सारे पेपर गाड़ी की आरसी वगैरह सब इसी में ही थे, तो जान में जाना ही मेरी। और कैसा लगा आपको हमारा महाशिवरात्रि का ये जो कार्यक्रम था वो, और प्लस आज हमने खूब इंजॉय किया शंकर पार्वती की बारात का। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय शिव शंकर, जय श्री राम।